الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي जितने लोग हमारे गांव में हैं, क्या उनमें कोई ऐसा नहीं है
कि जिसने कभी कोई बुराई अंजाम न दी हो, कोई है ऐसा या नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कभी कोई एक काम अच्छा किया हो, तो सब कहेंगे कि किसी ना किसी जाविये से एक अच्छा काम तो जरूर किया है, एक नेकी तो जरूर की होगी। और ऐसे भी सब मिल जाएंगे जो ये कहते नजर आएंगे कि हमने भी एक बुराई तो हमने जरूर की है। तो इसका मतलब यह है कि जो बुराई और जो अच्छाई हम कह रहे हैं, परवरदिगार उसका मुतालबा नहीं कर रहा है। वो नेकी भी कुछ और नेकी है और वो बुराई भी कुछ और बुराई है। हमारी समझ में ना आता अगर पैगंबर इस्लाम ये ना कहते या अली हुब्बो का हसरतुन, ऐ अली तेरी मोहब्बत एक ऐसा हसरा है जो सारी बुराइयों को खा जाती है, और तुझसे बगावत और तुझसे बुग्ज एक ऐसी बुराई है जो सारी अच्छाइयों को निगल जाती है। जो इंसान इस अच्छाई को लेकर जाएगा उसका बदला उसे उससे अच्छा दिया जाएगा, यानी उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। एक हसाना से मुराद विलायत अली बिन अबी तालिब है कि जो एक हसाना लेकर आएगा वो एक हसाना विलायत अली है, और वो एक बुराई भी बुग्ज अली है कि जो जिसके दिल में अली की विलायत नहीं होगी। और मैंने मुहर्रम में भी कहा था कि मसाला मोहब्बत का नहीं है, मसला विलायत का है। मोहब्बत इंसान को फन से मोहब्बत होती है कि अगर कोई फनकार है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। ये जितने नौजवान दिखाई दे रहे हैं इनसे आप पूछिए कि महेंद्र सिंह धोनी से मोहब्बत करते हैं या नहीं, तो ये सब कहेंगे कि हाँ हम करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसके पास एक बहुत अच्छा फन है, कि वो खेलना बहुत अच्छा है, वो क्रिकेटर बहुत अच्छा है। और ऐसे भी बहुत से मिल जाए मजलिस में, चाहे ना कहें लेकिन मजलिस से निकलने के बाद कहेंगे, अगर आप कभी धोखे से पूछेंगे वो कहेंगे कि सलमान खान से हमें मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि उसके फन से मोहब्बत है, सलमान खान से मोहब्बत नहीं है, उसके किरदार से मोहब्बत नहीं है, उसके फन से मोहब्बत है। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी के फन से मोहब्बत है, उसके किरदार से मोहब्बत नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जब आप महेंद्र सिंह धोनी के पास जाकर कहेंगे कि भैया वो फला साहब है हमारे गांव के, वो आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और फला साहब है, आलम साहब है, वो ईरान तक पढ़ के आए हैं, लेकिन वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आप इंसाफ से बताइए क्या मुझे SMS धोनी जानता है या नहीं जानता? तो वो कहेगा मैं किसी आलम को नहीं जानता, इतने आलम बहुत है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अफसोस है कि इंसान उस महेंद्र सिंह धोनी से मोहब्बत करता है जो उसको नहीं जानता, लेकिन उस परवरदिगार से मोहब्बत नहीं करता जो शहर के हयात से ज्यादा करीब कर रहे। एक सलावत पढ़ दीजिए अस्मत आले मोहम्मद। मसाला मोहब्बत का नहीं है, अली से मोहब्बत तो सब करते हैं। क्यों? इसलिए कि अली के पास फन है। क्या फन है अली के पास? अली के पास शुजात का फन अली के पास है, इल्म का फन अली के पास है, सखावत का फन अली के पास है, ये सारे फनून तो अली के पास मौजूद है। मसाला मोहब्बत का नहीं, मसाला विलायत का। तो मोहब्बत और विलायत में क्या फर्क है? असल में मोहब्बत है जरिया और विलायत है मकसद। मसला अगर मुझे कोई कहे कि आपको देवबंद में मजलिस पढ़नी है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक चीज है जरिया और एक चीज है मकसद। जरिया है मेरा यहां से देवबंद तक जाना, मकसद है मजलिस पढ़ना। इसीलिए जरिया बदल जाता है लेकिन मकसद चेंज नहीं होता। जरिया बदल जाता है मतलब ये कि मैं अब्बास भाई के रिक्शा से भी जा सकता हूं देवबंद, मैं बस से भी जा सकता हूं, मैं पैदल भी जा सकता हूं, लेकिन मकसद में चेंजिंग नहीं आती। मकसद है मजलिस पढ़ना, मोहब्बत अली मकसद है, मोहब्बत अली जरिया है मकसद नहीं है, मकसद है विलायत अली, यानी मोहब्बत उस विलायत तक पहुंचने का एक जरिया है। मकसद है विलायत अली, और विलायत में और मोहब्बत में मैंने फर्क बताया था आपको मुहर्रम में कि ये फर्श ऐसा बिछाना ये मोहब्बत अली है, लेकिन वक्त पर मुसल्ले का बिछाना ये विलायत अली है।
अंजुमनों में चंदा देना ये मोहब्बत अली की निशानी है, लेकिन वक्त पर खुम्स निकालना ये विलायत अली है, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाना ये मोहब्बत अली है, हलाल के पैसे से बनाना ये विलायत अली है, और अली को मानना ये मोहब्बत अली है, अली की मानना ये विलायत अली है। सलावत पढ़ दीजिए अजमत आले मोहम्मद पर। अली को मानना ये मोहब्बत अली है, अली की मानना ये विलायत अली है। और पैगंबर ने क्या फरमाया था, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, बस इतना सा जुमला, इतने से जुमले के लिए पैगंबर ने इतने मजमे को रोका, जो आगे बढ़ गए थे उन्हें बुला लिया, जो पीछे रह गए थे उनका भी इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि अली मेरे दोस्त हैं, बस यही बात नहीं। अजीजो पैगंबर का खुतबा देखिए आप, कितना बड़ा खुतबा है पैगंबर ने जो दिया है गदीर में, उसका एक टुकड़ा है मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, यानी जो लोग ये कहते हैं कि मौला के माने दोस्त हैं, दोस्ती का दम तो वो भी भरते हैं, विलायत का दम नहीं भरते। और मकसद मतलब है, हमारा मकसद है विलायत, वो विलायत के कायल नहीं है, दोस्त के कायल वो भी है। तो क्या पैगंबर ने यही कहा था इसी के लिए? नहीं, पैगंबर ने ये नहीं फरमाया। पैगंबर ने फरमाया था क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हाकिम हूं या नहीं? तो सबने कहा हां है, आप हमारे नफ्सों पर सबसे ज्यादा हाकिम है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप हाथ आपका है लेकिन हुकूमत पैगंबर की है, आंखें आपकी है लेकिन हुकूमत पैगंबर की है, दिल आपका है हुकूमत पैगंबर करेंगे। आप समझिए मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, हाथ आपका जरूर है लेकिन हुकूमत अली की है, यह है विलायत अली, दिल आपका है लेकिन सोचेंगे वो जो अली चाहेंगे, आंखें आपकी है देखेंगे वो जो अली चाहेंगे, यह है विलायत अली। ये पैगंबर बताना चाहते हैं। और कुरान में कहा है शम्स व ज़ुहा, ये आपने सबने पढ़ा होगा, ईद है तो पढ़ती है, वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और चांद की कसम, सूरज की कसम जब वो अपनी ताबानियों के साथ निकला, चांद की कसम जब उसके पीछे पीछे चला, तो आप ये बताइए कि दुनिया में सूरज कितने हैं, एक और चांद? गलत, सोच के बताइए चांद कितने हैं? बारह। बारह है कि एक? चांद बारह है भाई। आपने सुना कभी किसी ने कहा हो ये रबीउल अव्वल का सूरज है? लेकिन चांद को सब कहते हैं, ये रजब का चांद है, ये मोहर्रम का चांद है, ये सफर का चांद है, चांद बारह है सूरज एक है। पैगंबर की तरफ निस्बत दी गई है सूरज की कि पैगंबर एक है, चांद सीन वाला है। और सुनिए, चांद आखिरी ढाई रातों में गायब रहता है, बारह 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 महीने है, तीस दिन में ढाई ढाई निकालते रहिए, आखिर में बचते कितने हैं? तो सब जोड़ के कहेंगे कि तीस। हमारा भी यही अकीदा है, ग्यारह आ चुके हैं, एक बंदा गायब में है। सूरज एक है, चांद बारह है, और इसी विलायत ये जो मैंने हसन बयान किया है, एक आयत और पढ़ता हूं, वत्तीन वज़ैतून वत्तूर सीनीन, कसम है इंजीर की, अल्लाह कसम खा रहा है इंजीर की, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और अमन वाले शहर की, ये कसम खाई अल्लाह ने। तीन आज दुनिया लड़ रही है ना, नौकरी पे, मकान पे, कपड़े पे, इस पे लड़ रही है। पैगंबर ने पहले ही बता दिया था 1400 साल पहले, अल्लाह ने कहलवा दिया था। तीन से मुराद क्या है? इंजीर जो खाया जाता है, आपने खाया होगा सबने इंजीर। इसकी खासियत क्या है? कब दुनिया में वजूद में आया? जब हजरत आदम को अल्लाह ने कहा कि जाओ अब आप नीचे जाओ, यहां नहीं रह सकते, और एक काम करो ये जन्नत का लिबास उतार के जाओ। जन्नत का लिबास दुनिया में नहीं जा सकता, जन्नत का लिबास दुनिया में नहीं जा सकता, ये लिबास यही उतारो। जनाब आदम ने लिबास उतारा तो बरहना जमीन पर आए, तो उस वक्त अल्लाह ने इंजीर के दरख्त को पैदा किया, और उस इंजीर के दरख्त के पत्तों से जनाब आदम ने अपने आप को छुपाया। अल्लाह ने इसकी खासियत रखी है कि इसको आग नहीं जलाती, क्यों? इसलिए कि इसने
एक मासूम की हिफाजत की है। और मुझे एक जुमला कहने दीजिए, अगर ये अगर दरख्त एक मासूम की हिफाजत करे उसे आग न जला सके, अबू तालिब जो दोनों मासूमों की एक वक्त में हिफाजत करता है। सलवात पढ़ दीजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। तीन की कसम खाई, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, और उसके बाद मक्के की कसम खाई। फिर कहता है लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम, हमने इंसान को अहसने तकवीम बनाकर भेजा, हमने सबसे अच्छी मखलूक इंसान को बनाया, हमने अशरफुल मखलूकात इंसानों को बनाया, हमने सबसे अच्छा अपना सबसे अच्छा अच्छी मखलूक हमने इंसान को बनाया। लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम, मैंने कहा ना हसना, इस हर लफ्ज के तीन, हर लफ्ज के तीन माना हो सकते हैं, जैसे हसन हसीन, इसी तरह एहसन यानी गुड बेस्ट बेटर, यही है ना भाई, तो मैं इंग्लिश ज्यादा जान रही डॉक्टर साहब, ऐसे ही है। तो ये तीन, किसी भी लफ्ज की तीन हालतें होती हैं, जैसे हसन हसीन एहसन। अल्लाह कह रहा है लकद खलकनल इंसाना, हमने इंसान को एहसन बनाया, हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। अच्छा, अगर सारे इंसान एहसन हैं तो उसामा बिन लादेन के बारे में क्या ख्याल है, उसामा बिन लादेन के बारे में क्या ख्याल है? और अगर सारे इंसान एहसन हैं तो मुल्ला उमर के बारे में क्या ख्याल है? और अगर सारे इंसान एहसन हैं तो अबू बकर अल बगदादी के बारे में क्या ख्याल है, जो दाइश का सरगना है उसके बारे में क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि सारे इंसान एहसन नहीं है, सारे इंसान एहसन नहीं, कोई कुछ खास इंसान है जिन पर अल्लाह कह रहा है कि लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम, हमने इंसान को अहसने तकवीम पर पैदा किया, हमने इंसान को अहसन बनाकर भेजा, हमने इंसान को सबसे अच्छी मखलूक बनाया। अच्छा, जितने हम यहां बैठे हैं अगर ये सब लोग मिलकर शिर्क करने लगे तो अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं कुछ? कुछ नहीं बिगड़ेगा अल्लाह को। सारे लोग, दुनिया के सब जितने भी इंसान मौजूद हैं वो सब शिर्क करने लगे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर अल्लाह ने शिर्क को हराम करार क्यों दिया? सवाल ये है कि अल्लाह ने शिर्क को हराम क्यों कहा कि शिर्क हराम है जब अल्लाह की जात पर फर्क नहीं पड़ता? भैया, इसलिए हराम करार दिया अल्लाह ने शिर्क को कि इंसान अपनी इंसानियत से गिरा जा रहा था, इसलिए अल्लाह ने शिर्क को हराम करार दिया। वो कहता है मैंने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये गंगा का पानी उछाल उछाल के कुछ हो रहा है, मैंने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये सितारों के सामने झुक रहा है, मैंने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये सूरज को सजदा करता दिखाई दे रहा है, इसलिए अल्लाह ने शिर्क को हराम करार दिया क्योंकि इंसान इंसानियत से गिरा जा रहा था, इसलिए शिर्क को हराम करार दिया। लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम, हमने इंसान को अहसन बनाया, अहसने तकवीम पर बनाया। तो ये जो जितनी दुनिया में आप चीजें देख रहे हैं, ये फजाएं, ये घटाएं, ये सलसबील, ये कौसर, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कहकशां, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये पानी में रवानियां जो आप देख रहे हैं, ये बुलंदियां पहाड़ों की जो देख रहे हैं, ये सब अल्लाह ने हसीन बनाई है, एहसन नहीं बनाई, ये सब की सब हसीन है। तो फिर एहसन कौन है? एहसन का पता कैसे चलेगा कि एहसन कौन है? भाई, एहसन वो होगा जो सितारों से ज्यादा मजबूत होगा, वो एहसन होगा जो सूरज से ज्यादा कवि होगा, वो एहसन होगा जो चांद से ज्यादा आहमी होगा, वो एहसन होगा जो पानी से ज्यादा मजबूत होगा। तो कायनात में एक खानदान हमें ऐसा मिला जो सूरज से भी ज्यादा कवि है, जो चांद से भी ज्यादा कवि है, जो सितारों से भी ज्यादा कवि है। जब मोहम्मद मुस्तफा ने चांद को देखा, दो टुकड़ों में तकसीम किया और कहा कि अगर ये हसीन है, मैं दो टुकड़ों में तकसीम करके बताता हूँ कि हम एहसन है। अली ने सूरज पलटा कर बताया कि सूरज हसीन है, मैं पलटा कर बताता हूँ कि हम एहसन है। और जब ये आखिरी आएगा तो पानी पर मुसल्ला बिछाकर लोगों को बताएगा कि पानी हसीन है, हम इससे ताकतवर हैं, हम एहसन हैं। सलावत पर मोहम्मद अली। और ये पानी पर मुसल्ला पूरा एक सिस्टम है, पानी पर मुसल्ला बिछने का। क्यों पालने वाले पानी पर क्यों बिछवा रहा है मुसल्ला?
इसलिए भिजवा रहा है कि हमने इन्हें मुसल्लों पर पहले लाकर मेहराबों में खड़ा किया, तो हमारे रहबरों से मेहराबों से मुसल्ले छीन लिए, हमने तख्त पे लाकर बिठाया, तख्त छीन लिया, हमने उन्हें मिंबर पर बिठलाया, मिंबर से उतार लिया गया। हम ये काम करेंगे कि हम पानी पर मुसल्ला बिछवाएंगे, अगर किसी में हिम्मत हो तो वो खड़ा होकर नमाज पढ़ाकर दिखाए, जरा सा मौजजा तुम भी दिखाओ पानी पर, चलो और चल के मुसल्ला बिछाओ पानी पर, इमाम बन के नमाजें पढ़ाओ पानी पर, नमाजियों को तुम अपने बुलाओ पानी पर। कसम खुदा की इसी आपकी रवानी में पता चलेगा कि है कौन कितने पानी में। सलाम पढ़ दीजिए अस्मत आले मोहम्मद। हसन हसीन हसन, हसीन उसको कहते हैं जो हुदूदे इंसानियत में रहे, उसको कहते हैं हसीन, और जो हुदूदे इंसानियत से बाहर निकल जाए उसको कहते हैं अहसन, यानी एक डिग्री इजाफी हो जाए तो उसको कहते हैं अहसन। तो दुनिया में इंसानों की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं, सारे इंसानों को छोड़ के मैं रसूलों की बात कर रहा हूं, पैगंबरों की बात कर रहा हूं। आप ढूंढिए हसीन कितने हैं, तो जब आप कुरान में देखेंगे तो आपको एक हसीन मिलेगा पैगंबरों में, कौन? यूसुफ। लेकिन वो भी हसीन की मंजिल तक पहुंचा, अहसन ना बन सका। क्यों? इसलिए कि हुदूदे इंसानी में रहा, इसलिए हसीन ना बन सका। भाई मामला क्या है हुदूदे इंसानी में रहा का? मामला यह है भाई कि यूसुफ का हाथ अपना हाथ है, किसी और का नहीं है। यूसुफ की आंखें अपनी आंखें हैं, किसी दूसरे की नहीं है। यूसुफ का सीना अपना सीना है, किसी और का नहीं है। बस हुदूदे इंसानी से एक ही बाहर निकला, जब हमने उसकी आंखों की तरफ देखा तो हमने कहा ऐनुल्लाह, सीने को देखा कहा सतुल्लाह, जब कानों को देखा कहा उल्लाह, जब पूरे वजूद पर निगाह की तो कहा नफ्सुल्लाह। यह है हसन की मंजिल। जब इंसान हसीन से निकलकर अहसन तक आता है तो फिर उसके उसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी नजर आती है, जो वो सोच लेता है वो हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कहे, बल्कि सोच ले हो जाए, जब अहसन की मंजिल पर आ जाता है। और अहसन की मंजिल पर आने के लिए अपने आप को अल्लाह के लिए फना करना पड़ता है, तब इंसान अहसन की मंजिल पर आता है। देखिए अहले बैत का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता, यह तो बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन इंसानों में और भी बहुत से ऐसे हैं जो उससे थोड़ा ही नीचे रहे, जैसे तरके औला। सुना है ना आपने सैयद रजी के लिए कि तरके औला भी नहीं हुआ, तरके औला जनाब आदम से हो गया था। ये उस मकाम तक आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह की राह में अपने आप को फना कर दें, तब मंजिल आती है। यजीद ने क्या कहा जनाब ज़ैनब से कि अल्लाह ने तुम्हें कैसा जलील किया, तो जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया? मां आया था इल्ला जलीला, हमने अच्छाइयों के अलावा अल्लाह के यहां कुछ देखा ही नहीं। तो ऐसा होना पड़ता है, तब आदमी उस मकाम पर पहुंचता है। एक सलवात पढ़ दीजिए अज़मत आले मोहम्मद। अल्लाह नारे हैदरी या अली। बस अज़ीज़ों, शबे शहादत पे इमाम हसन अस्करी है, कल आप जनाब ज़ैनब के इस्तकबाल के लिए इसी अज़ा खाने में तशरीफ लाएंगे, क्योंकि कल अली की बेटी मदीने पहुंच रही है और आज ये आखिरी शब है। जिंदा रहे तो अगले बरस तुमको रोएंगे, गर मर गए तो कब्र की जुल्मत में सोएंगे। मौला आपकी खिदमत हम पर न सके, जो हक था वो अदा ना हो सका। बस दुआ ये है कि शहजादी हमारे इस नहीव से भूसे को कबूल फरमाए। हमने 2 महीना 7 दिन अपनी दवान पर जितनी मजलिसें की, अल्लाह उन तमाम मजलिसों को कबूल फरमाए।
आज आखिरी शब है, पता नहीं अगले साल कौन बचे और कौन न बचे, कौन रहे कौन न रहे। जब यहां में सज्जाद मदीने के करीब पहुंचे तो बशीर से कहते हैं, बशीर हमारी सुनानी मदीने में सुना दो कि वो काफला जो 28 रजब को गया था वो वापस आ गया। उधर से बशीर चला, इधर जनाबे उम्मे कुलसूम ने मदीने की दीवारों को देखा तो एक जुमला कहा, मदीना तो जद्दना, ए हमारे जद के मदीने हमारे आने को कबूल न कर। क्यों? इसलिए कि जो रूह मदीना थी उसे हम करबला में छोड़ आए, हमारे आने को कबूल न कर। उधर बशीर चला और बशीर को इमाम सज्जाद ने अबुल फजल अब्बास का अलम दिया कि इसको ले जाओ और सुनानी सुना दो। बशीर गया, बशीर कहता है कि मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा और वहां जाकर मैंने एक मर्तबा कहा, या अहले यसरब, ऐ यसरब के रहने वालों, यसरब रहने के काबिल न रहा। जैसे मैंने जुमला पढ़ा तो एक छोटा सा बच्चा मेरे करीब आया और मेरा बका दामन पकड़ के कहता है, ऐ शेख मुझे ये बता कि तुझे ये अलम किसने दिया, तुझे ये आलम किसने दिया, ये तो मेरे बाबा का आलम है, ये तेरे पास कहां से आया। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, वो कहता मैं अब्बास का बेटा हूं। तो मैंने कहा जा अपनी दादी को बुला कर ला। अरे वो घर में पहुंचा और जाने के बाद कहता है, दादी गजब हो गया, अरे एक शेख है जो मस्जिद नबवी की दीवार पे खड़ा होकर कहता है, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा। अरे मदीना रहने के काबिल न रहा, क्यों? इसलिए कि हुसैन मारे गए। पर जैसे उम्मुल बनीन ने ये जुमला सुना कि हुसैन मारे गए, कहती है फर्ज ला मेरा असा ला, ला मेरी चादर ला और मुझे लेकर चल। फर्ज का हाथ पकड़े हुए एक हाथ में असा, उम्मुल बनीन पहुंची बशीर के पास और जाके कहती है, बशीर तुम क्या कह रहे हो? शहजादी मैं सही कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा बाहर मदीने के बाहर है और मुझे सज्जाद ने आलम दिया है और कहा कि हमारी सुनानी सुना दो। और उसके बाद बशीर कहता है, उम्मुल बनीन तेरा जाफर मारा गया। उम्मुल बनीन कहते हैं, अखबरनी अनिल हुसैन, मुझे हुसैन की खबर बता हुसैन की। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद बशीर कहता है कि तेरा उस्मान मारा गया। उसके बाद फिर उम्मुल बनीन कहती है कि अखबरनी अनिल हुसैन, फिर बशीर कहता है कि तेरा अब्दुल्ला मारा गया, फिर उम्मुल बनीन कहती है अखबरनी अनिल हुसैन, मुझे हुसैन के बारे में बता। उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद बशीर कहता है कि तेरा अब्बास मारा गया। जैसे ही उम्मुल बनीन ने ये जुमला सुना कि अब्बास मारा गया, कहते हैं ओ बशीर मुझे हुसैन के बारे में बता, हुसैन का क्या हुआ। तो जैसे ही बशीर ने हुसैन के बारे में बताना शुरू किया, ऐ बीबी हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया, ऐ बीबी हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, ऐ बीबी हुसैन की लाश को पामाल कर दिया गया। उम्मुल बनीन सुनती रही, फिर बशीर कहता है, ऐ बीबी ज़ैनब की चादर छीनी गई, शाम कूफा के बाजार में बरहरा सर फिराया गया। वह जैसे ही जुमला कहा, उम्मुल बनीन ने नजर पर उतर के कहा, ऐ मेरे वाले वारिस, मैं अब्बास का दूध न बख्शूंगी। दूसरी तरफ से रिवायत मिलती है कि उम्मुल बनीन ने पूछा कि बशीर तू कहता है कि अब्बास मारा गया, ये बता मेरे अब्बास से लड़ने कितने लोग आए थे? 30,000 का लश्कर था। तो उम्मुल बनीन कहते, बशीर मुझे अपने दूध पर नाज है, अब्बास 30,000 से नहीं मर सकता, अब्बास 30,000 से नहीं मर सकता। कहा नहीं उम्मुल बनीन, पहले बाजू गरम किए गए, फिर सर पे घुस लगा, तेरा लाल जब घोड़े से गिरा तो बगैर बाजुओं के गिरा। ये बातें उम्मुल बनीन ने की और जन्नतुल बकी की तरफ चली। उधर बशीर आगे आगे हैं, उसके पीछे मदीने के लोग हैं और सबसे पीछे मोहम्मद हनफिया है। अजीजों अगर आप भी बाहर गए हो, अगर आप भी बाहर गए हो और आपके ऊपर जुल्म हो जाए, आपको कोई मार दे और आपको उस बेकसी के आलम में कोई अपना दिखाई दे,
तो आपका आपकी हालत क्या होती है? अब सज्जाद ने अपनी आंखों से हुसैन को देखा, ज़ैनब ने अपनी आंखों से हुसैन का गला करते भी देखा, हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ते भी देखे, ज़ैनब ने शामो कूफा का बाजार भी देखा, ज़ैनब ने तमाम चीजें देखी, लेकिन कहती किससे? सज्जाद से तो ना कहा। क्यों? इसलिए कि सज्जाद बीमार है, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां है, पांव में भेड़िया है, गले में तौक है, सज्जाद से ना कहा। ज़ैनब अब तक खामोश थी, अब मदीने में है। इधर से मोहम्मद हनफिया जो बहुत बहादुर है वो चले। जैसे मोहम्मद हनफिया ने बशीर से कहा, बशीर ये हुआ क्या है, हुसैन को क्या हो गया? कहा हुसैन मारे गए, हुसैन जिहा कर दिए गए। बशीर को बस आया, इमाम सज्जाद को बुलाया गया। जैसे इमाम सज्जाद को बुलाया, इमाम सज्जाद ने देखा कि चचा बशके आलम में है, चचा के ऊपर पानी डाला। अरे आंख खुलते ही अजीब जुमला मोहम्मद हनफिया ने इमाम सज्जाद से कहा, आंखें खोल के कहते हैं, यबनाही ऐ नाही, ऐ मेरे लाल मुझे हुसैन को बचा दो। हुसैन कहाँ है? वो कितना बुरा वक्त था कि ज़ैनब का लाल मदीने से जा रहा था और अली का बेटा मदीने में रह गया। जनाब सज्जाद कहते हैं, ऐ चचा सब मारे गए, हम लूट गए, हम उजड़ गए। चचा हमको शाम और कूफा के बाजार में ले जाया गया। ऐ चचा हमको उस जगह से ले जाया गया जहाँ देवल के गुलामों को ले जाया जाता था, हमें उस मकाम से गुजारा गया जहाँ कनीजों को बेचा जाता था। अरे मोहम्मद अलफिया सुनते हैं और जब ये सुना कि शाम और कूफा के बाजार में ज़ैनब को बहना सर ले जाया गया, अरे सैयद सज्जाद की बाहों में गले में बाहें डाल दी। जैसे ही बाहें डाली सैयद सज्जाद पीछे हट गए, चचा गले में बाहें ना डाल लिए। इमाम कहते हैं, अरे मेरा गला इतना जख्मी है कि हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं, ज़ैनब का खेमा कहाँ है? अरे बहादुर भाई बहन से मिलने जा रहा है, उस बहन से मिलने जा रहा है कि जिसने सारे मंजर अपनी आंखों से देखे। अरे खेमे का पर्दा हटाया, ज़ैनब ने मोहम्मद हनफिया को देखा, उठ के रोने लगी, ए भाई अब आए हो जब मैं शाम कूफा से होके आ गई, अब आए हो जब सकीना की कब्र बना दी, अब आए हो जब हुसैन का लाशा पामाल हो गया। मोहम्मद हनफिया रोने लगे, तलवार उठाई, अरे घोड़े पर सवार होना चाहते हैं। इमाम सज्जाद कहते हैं, चचा आपने सिर्फ सुना और बर्दाश्त ना कर सके, मेरे दिल से पूछिए। अरे मैं आगे आगे था, शैतानिया पीछे पीछे थी, मुरादी निदा दे रहा था, हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम, हाज़े ही सबाया रसूलिल्लाह। अरे ये रसूल की बेटियां हैं जो जा रही हैं। उसके बाद इमाम सज्जाद कहते हैं, चलिए मदीने की तरफ चले। अरे रोज़े रसूल के करीब पहुंचे, ज़ैनब ने रोज़े रसूल को देखा, जन्नतुल बकी को देखा। जन्नतुल बकी को देख कर कहती है, अम्मा जिसको चंकिया पीस के पाला था, जिसको रातों को जाग जाग के पाला था, अम्मा उसने कर्बला छोड़ के आ गई। अरे उसके बाद ज़ैनब ने देखा कि एक बीवी है जिसने चार कवर के निशान बना रखे हैं, उम्र बनीन ने चार निशाने कवर बना रखे हैं और लिखा हुआ है अब्दुल्ला इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली। और सबको देख देख के कह दिए, अब्दुल्ला तुम्हें रो ना, ना तुम्हें नहीं, मैं तो हुसैन को रोऊंगी जिसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं। जाफर तुम्हें रो ना, ना तुम्हें नहीं, मैं तो हुसैन को रोऊंगी। उस्मान तुम्हें रो ना, ना मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, मैं तो हुसैन को रोऊंगी जिसकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं। उसके बाद ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि जनाब उम्र बनीन ने एक बहुत बड़ी कब्र बना रखी है जिस पर लिखा है अब्बास इब्ने अली। और देखकर एक हजरत अली निगाह से देखकर कहती है, अब्बास जब ये सुनती हूँ ना कि तू मारा गया, तेरे बाजू कलम हुए तो यकीन नहीं आता, तेरे मरने का यकीन नहीं होता, लेकिन जब ये सुनती हूँ कि ज़ैनब शाम और कूफा के बाजार में पिलाई गई तो तेरे जिंदा रहने का यकीन। ज़ैनब ने कब्र देखकर कहा, माँ ये इतनी बड़ी कब्र क्यों बनाई है? अरे काश तुम कर्बला में होती, अब्बास की लाश के इतने टुकड़े थे कि सैयद सज्जाद ने कर्बला से चुने और दफन किया। देखकर कहती कि अब्बास की कब्र नहीं, ये किस
बच्चे की कब्र है। उसके बाद ये काफिला रोजे रसूल की तरफ चला। अरे जनाब ज़ैनब ने अपने आप को तावीज़े रसूल पर गिरा, तावीज़े कब्रे रसूल पर गिरा के कहती है, नाना ज़ैनब आ गई, नाना हुसैन को खोकर आ गई, नाना पछताएगा वो ज़ुल्म जो ज़ैनब पे ना हुआ, नाना अगर ना महरम ना होते तो मैं कब्र खोल के दिखाती उसके कितने निशान है। उसके बाद कहती है, नाना जब कोई सफर में जाता है तो वो सौगात लेकर आता है, नाना ज़ैनब भी आपके लिए सौगात लाई है। अरे हुसैन का खून भरा कुत्ता, ज़ैनब ने तावीज़े कब्र रसूल पे डाल दिया, नाना ये आपका हुसैन है जिसे आप ज़बान चुसा देते ज़ालिमों ने। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.